पूर्वांचल विश्वविद्यालय बड़ा बदलाव होगा इस बार, तो अंत तक सभी स्टूडेंट बने रहेंगे। सरल शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये जो नए स्टूडेंट हैं वो ज़रूर ज्वाइन हो जाएँ, क्योंकि उनको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही हेल्प मिलने वाला है शीघ्र। तो आप लोग जुड़ेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी देना है कि कुछ बदलाव हुए हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, नई शिक्षा नीति लागू हो चुका है आपके VBSP यूनिवर्सिटी पर भी। तो इसमें क्या हुआ है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, मतलब इस साल जो बच्चे गए हैं स्नातक के, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपका 6 सेमेस्टर होगा टोटल, 3 साल में 6 सेमेस्टर, ठीक है। इसमें आपके हर सेमेस्टर में एक सह विषय होंगे, ठीक, हर सेमेस्टर में एक सह विषय होगा जिसको लेना आपको अनिवार्य होगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं, उसका भी एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको हर पेपर में, यानी कि जो 6 पेपर होगा हर सेमेस्टर में एक एक, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, तो उन विषय में आपको कुल मिलाकर के 6 में 40% मार्क्स पाने ज़रूरी होंगे, ठीक है। यानी कि 40% मार्क्स आना अनिवार्य है। आप बिल्कुल भी ढील मत दीजिए अपने पढ़ाई में, वरना आपको पछताना पड़ सकता है जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, तो इसमें 75% जो रहेगा वो आपका एग्ज़ाम का रहेगा, जो कि आपके MCQ होंगे, बहुविकल्पी एग्ज़ाम होगा, समझ सकते हैं हमारी बात, MCQ होगा। और जिसको शीघ्र ही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस सिलेबस के तहत क्वेश्चन मैं तैयार करा दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये MCQ होंगे और 25% आपका जो अंक मिलना है वो आपका आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से दिया जाएगा। ये बातें समझ लीजिए कि एक प्रकार से जैसे राष्ट्रगौरव होता है, उसी प्रकार से ऐसे भी एग्ज़ाम होंगे जो कि आपको हर सेमेस्टर में एक एग्ज़ाम ऐसे देने पड़ेंगे, समझ रहे हैं हमारी बात। तो ये बड़ी चेंजिंग हुई है, और ध्यान रहे कि 75 नंबर जो होंगे वो आपका MCQ होगा, यानी कि MCQ एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, और 25 नंबर जो होगा आपके कॉलेज की तरफ से, सॉरी, आंतरिक मूल्यांकन जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो यही जानकारी था आप सभी छात्रों के लिए। बिल्कुल भी पढ़ाई से लापरवाही नहीं करिए, बहुत ही शीघ्र आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। तो ये लेटेस्ट जानकारी था, और अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बहुत ही शीघ्र आपके कोर्सेज को मैं ध्यान में रखूँगा और उनकी पढ़ाई भी स्टार्ट करा दूँगा। तो थोड़ी सी दिक्कत आपको होने वाली है कि देखिए, ये जो नंबर, सॉरी, एग्ज़ाम होगा ये CGPA में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये CGPA में नहीं जोड़ा जाएगा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अब देखो यहाँ पर CGPA लागू हो गया है जब से नई शिक्षा नीति लगेगी। हालांकि इसका जो ग्रेड शीट रहेगा उस पर आपके मार्क्स जो हैं वो अंकित रहेंगे, ठीक है, उस पर आपका मार्क्स अंकित रहेगा, बट इसका CGPA में गणना नहीं होगा। CGPA जो कि आपका मुख्य रूप से वही होगा, तो उसमें आपके इसकी गणना नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी जानकारी थी, जो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हर सेमेस्टर में एक सह विषय का एग्ज़ाम आपको देना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें जो आपके साथी हों इस साल एग्ज़ाम को देना हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस चैनल के साथ जोड़िए, आगे का काम हम खुद करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए नया इन्फोकेस।